कुमाऊं के सबसे ज्यादा छात्र संख्या वाले हल्द्वानी स्थित एमबीपीजी कॉलेज में सीटें बढ़ाने को लेकर छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। आपको बता दें कि कोविड के कारण बीते 2 साल छात्र संघ चुनाव नहीं हुए थे और इस बार जब चुनाव नजदीक हैं तो ऐसे में कोई भी अपने हाथ से मौका जाने नहीं देना चाहता है। इन दिनों एमबीपीजी कॉलेज में 5वीं वरीयता सूची वाले विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के कारण कॉलेज परिसर में विद्यार्थियों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। ऐसे में विभिन्न संगठनों से जुड़े छात्र नेताओं ने शत प्रतिशत प्रवेश की मांग की है। आपको बता दें कि कुमाऊं विश्व महाविद्यालय में दूरस्थ क्षेत्रों से प्रवेश के लिए पहुंच रहे छात्र निराश लौट रहे हैं। वहीं छात्र नेता सीटें बढ़ाने और सांध्यकालीन कक्षाएं शुरू करने की भी मांग को लेकर कॉलेज प्रशासन कुमाऊं विश्वविद्यालय समेत उच्च शिक्षा मंत्री को भी कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं और लगातार आवाज उठा रहे हैं। इस दौरान छात्र नेता ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बच्चों की ये मांग थी कि जो 20% सीटें बढ़ाने के इन लोगों ने, प्रिंसिपल सर ने जो वादे करे थे वो वादे खाली वादे ही रह गए। बच्चों ने ज्ञापन दिए, बहुत चीज करी और क्या कहते हैं, फिर जाके उनसे बात करी तो प्रिंसिपल सर ने हमको 3 दिन का टाइम दिया। उन्होंने कहा 23 तारीख के बाद इस चीज़ को आगे निर्देशालय में बात रखी गई है, उसको निर्देशालय आगे बात पहुँचाएगी। देखिए, हमने बहुत बार प्राचार्य महोदय को, कुलपति महोदय को, उच्च शिक्षा मंत्री जी को बहुत बार ज्ञापन भेजे कि सीटों में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि इस साल हमारे कॉलेज में सिर्फ 3000 सीटें हैं बल्कि छात्रों ने रजिस्ट्रेशन 6000 से अधिक कर रखे हैं। तो ऐसे में कई ऐसे छात्र हैं जिनको अभी तक प्रवेश नहीं मिल पाया है। हाल ही में एडमिशन को लेकर परेशान हो रखे हैं क्योंकि 52% वालों के एडमिशन हो चुके हैं। तब से आज आएगी, कल आएगी, मेरिट आज आएगी, आज इवनिंग क्लास के लिए और क्या कहते हैं बच्चों के एडमिशन के, बच्चे घर में बैठ के लगातार फोन के माध्यम से हम लोग को लगातार बोल रहे हैं कि दीदी हमारे एडमिशन कब होंगे।